इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विंडो एक्सप्लोर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, चेक फॉर सॉल्यूशन एंड रिस्टार्ट प्रोग्राम, क्लोज द प्रोग्राम और वेट प्रोग्राम टू रिस्पॉन्स। तो अगर ये ऐसा एरर आता है तो इस एरर को कैसे हम सोल्व करते हैं और ये बेसिकली आता क्यों है हमारे विंडोज़ के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए इसका मेन जो आने का रीज़न होता है वो होता है यहाँ पर एक ओवरलोड, जैसे कुछ डेटा कुछ ज़्यादा होता है तो उसके बाद यहाँ पर ये नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाने लग जाती है। कोई भी चीज़ हो हमारी वो नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाने लग जाती है। अब इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। तो इसका ख़त्म करने का तरीका ये है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं उस स्टोरेज के अंदर कुछ इनकरप्टेड डेटा तो नहीं है। आप जैसे मोबाइल से डेटा केबल लगाते हैं तो डेटा केबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। या फिर कंप्यूटर की कोई स्टोरेज में जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है तो सिचुएशन में कुछ जो डेटा उसका वहाँ पर उसको डिलीट कर दीजिए और उसके बाद कुछ करेंगे तो वहाँ पर रिस्पॉन्डिंग का एरर नहीं आएगा। और इस एक सिचुएशन ये भी रहती है कि कभी कभी जो है आपका यहाँ पर जब आप यहाँ पर स्टार्ट पर जाते हैं तो अपने जो विंडोज़ को अपडेट कर लीजिए। जब यहाँ पर जाते हैं आप उसको अपडेट करके रखें, क्योंकि अपडेट रहेगा तो ज़्यादा सेफली रहेगा। यहाँ पर विंडोज़ पर अपडेट कर दीजिए जाकर और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ कर दीजिए उसको, जो भी आपका अपडेट आता है। तो उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा एंटीवायरस वगैरह वगैरह जो भी कुछ आते होंगे यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएंगे और नॉट रिस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये सही रहता है कि आप ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पर स्टोरेज में जहाँ कुछ ज़्यादा डेटा हो। आप अपने विंडोज़ को कुछ ज़्यादा डेटा भर लेते हैं तो उस चीज़ में ही प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती इस चीज़ से रिलेटेड। तो वहाँ पर सोल्यूशन का भी ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर कुछ एरर आ रहा होगा तो वहाँ पर आप जैसे कि इस पर क्लिक करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप चाहें तो उसको यहाँ से उसको रिसोल्व भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।